तो पहले तो मैं एक मिसकंसेप्शन जो है बहुत सारे पेरेंट्स को बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, जिनको लगता है कि अलोहा मैथ्स है, तो अलोहा मैथ्स नहीं है। ये बेसिकली एक मैथ्स, एक जरिया है आपका ब्रेन डेवलप करने मीडियम का। है। हाँ एग्जैक्टली, मीडियम है आपका ब्रेन डेवलपमेंट का, तो ये मैथ्स तो नहीं है। मैथ्स प्रोग्राम नहीं है, वो कंफ्यूजन क्लियर करने की हम भी बारहा कोशिश करते रहते हैं और अभी भी वो कोशिशें जारी हैं। खैर शुक्रिया, आपने भी वो कंफ्यूजन जो है क्लियर कर दिया। अलोहा की जानिब से सभी देखने वालों का इस्तकबाल और खैर मकदम। आज बहुत खुशी और फख्र महसूस कर रहे हैं इस बात का इजहार करने में कि आज आपकी मुलाकात हम अलोहा के एक अलुमनस से कराएंगे, जिन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव किया है। उनकी ज़िंदगी के सफ़र के बारे में जानेंगे और बिलखुसूस इस बात में हम दिलचस्पी रखते हैं कि अलोहा के कोर्सेज से उनकी शख्सियत पे क्या असर पड़ा, उनका जो ये करियर है इसमें कैसे उनको मदद मिली। क्योंकि यूजुअली वालिदैन हमसे ये सवालात पूछते हैं कि अलोहा के कोर्सेज के शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स क्या हैं, इमीडिएट बेनिफिट्स क्या हैं, फ्यूचरिस्टिक इम्प्लिकेशंस क्या हैं, किस तरह के असरात एक बच्चे के जहन पे, उसकी शख्सियत पे मुरतब होते हैं। तो आज मैं बहुत ही खुशी से अपने मेहमान को मुतारिफ करा रहा हूँ आप सबसे। आज मलिक अरसलान मजीद हमारे मेहमान होंगे। अरसलान, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और खैर मकदम। अरसलान एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं। अरसलान, हैप्पी होम कमिंग, वेलकम टू अलोहा अगेन। शुक्रिया। आप तो खैर अलोहा में बहुत पहले आपने दाखिला लिया था और अलोहा के कोर्सेज से आप यकीनन मुस्तफीद हुए। हमें बताइए कि आजकल क्या कर रहे हैं आप, और थोड़ा बहुत अपना तारुफ भी हमारे देखने वालों को दीजिए। जी पहले तो वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि हमारे साहब ने बोला है, मेरा नाम मलिक अरसलान मजीद है एंड मैं स्टूडेंट रह चुका हूँ अलोहा का 2008 में। सो इट्स बीन 14 ईयर्स अभी तक। सो अभी आज मैं आपके सामने ना तो कोई किताब की बात बोलने आया हूँ, ना कोई ऐसे ना पैराग्राफ। मैं आपको प्रैक्टिकल अपना जो एक्सपीरियंस मैंने देखा है इन 14 ईयर्स में आपके सामने आज वो बोलूँगा। तो अभी तो मैं एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हूँ एंड एंटरप्रेन्योर भी हूँ एंड उसके साथ साथ एक डिजिटल मार्केटिंग हेड भी हूँ। जी तो माशाल्लाह। शुक्रिया। तो ये मेरी जर्नी रह चुकी है 14 ईयर्स में। अब ये जर्नी में अलोहा ने कैसे हेल्प किया है, मैं वो पूरा प्रैक्टिकल बोलना चाहता हूँ। नहीं, अगर आप थोड़ा बहुत अपनी मेमोरी लेन्स में जाएं, थोड़ा माजी के अवराग पलटे, हमें बताइए कि अलोहा के कोर्सेज के बारे में पहले कब आपको पता चला, कैसे पता चला? हमारे घर के सामने एक अलोहा का सेंटर है, जी तो वहां पे किसी ने, शायद मेरे मासी ने अब्बू को बोला था कि ऐसे अलोहा है किस एरिया में? सोपोर में। सोपोर। जी सोपोर में, छानकन सोपोर में। छानकन सोप। तो वहां से उन्होंने बोला कि आप भी कर लो। तो पहले तो मैं एक मिसकंसेप्शन जो है बहुत सारे पेरेंट्स को बहुत क्लियर करना चाहता हूँ, जिनको लगता है कि अलोहा मैथ्स है। तो अलोहा मैथ्स नहीं है, ये बेसिकली एक मैथ्स, एक जरिया है आपका ब्रेन डेवलप करने मीडियम का। है। हाँ एग्जैक्टली, मीडियम है आपका ब्रेन डेवलपमेंट का। तो ये मैथ्स तो नहीं है। मैथ्स प्रोग्राम नहीं है, वो जी कंफ्यूजन क्लियर करने की हम भी बारहा कोशिश करते रहते हैं और अभी भी वो कोशिशें जारी हैं। खैर शुक्रिया, आपने भी वो कंफ्यूजन जो है जी क्लियर कर दिया। तो लेकिन जब आपने दाखिला लिया आप अलोहा के कोर्सेज में, तो क्या याद आता है, किस तरह का एक्सपीरियंस, किस तरह का आपको तजुर्बा रहा? यकीन नहीं होगा, लाइक हर एक फोटो, हर एक इंसान का इमेज जो उस टाइम पे मेरे साथ रह चुके हैं, जी जिनके साथ मैं, जिनने मेरे को पढ़ाया है एंड बाकी सब लोग जो मेरे साथ थे पढ़ने वाले, मेरे को हर एक का इमेज याद है। लाइक मैं कब कहाँ गया हूँ, क्या खाया हूँ, मेरे को ये तक याद है। अच्छा। तो पूरा एक जो फोटोग्राफिक इमेज है ना मेरे माइंड में, वो ऐसा बैठ चुका है ना जहन पे कि नक्श है वो यादें। हाँ बिल्कुल पूरा ऐसे बैठ चुका है वो। तो मैं आपको हर एक माइन्यूट डिटेल भी बोल सकता बताइए हूँ। कुछ मजे की चीजें, कुछ तो स्टार्टिंग में एक्सपीरियंस। तो मैंने पहले तो नॉर्मल ऐसे अलोहा ज्वाइन किया, जी तभी ऐसे मिसकंसेप्शन बोला, उनको लगा मैथ्स है, हमारा बेटा मैथ्स में तेज हाँ करेगा। हाँ तो एक और चीज है, मैं एवरेज स्टूडेंट रह चुका हूँ। लाइक ऐसा कुछ नहीं है कि 100 बाय 100 मार्क्स आते थे या 200 में 200 बराबर आते जी थे। जी एवरेज स्टूडेंट हूँ जिसने एवरेज टाइम अलग एक्सेल अलग किया, ग्रो चीजें। किया। जी तो हाँ अलोहा ज्वाइन किया, उसके बाद कंपटीशन था अपने सेंटर में जी कि वहां से जो बेस्ट होंगे वो आगे जाएंगे। स्टेट लेवल में तो फोर हाँ, हिस्सा लेंगे। तो वहां पे मेरे टीचर थे एजाज सर, उस टाइम पे उन्होंने बहुत हेल्प किया, उन्होंने सिखाया पढ़ाया एंड सब बच्चे सेम नहीं रहते, वो मुझे अलग तरीके से पढ़ाते थे, बाकियों को अलग तरीके से पढ़ाते थे ओके। ताकि हर एक एक्सेल करे। बट फिर किस्मत की बात होती है कि कौन आगे जाएगा कौन नहीं, बट
उस टाइम पे उन्होंने सबको अच्छे से पढ़ाया था। तो फिर मैं स्टेट लेवल पे गया, वहाँ पे मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है कितने बच्चे थे, बट मैं छोटा था, मेरी नजर में तो बहुत बच्चे थे। हर जगह जहाँ देख रहा था वहां लोगों की कैप पहन के बच्चे ही बच्चे थे जी। तो कभी ये नहीं था कि शायद मैं फाइनेंस बनाऊंगा या कुछ, मेरा ये था कि करूंगा, एग्जाम दूंगा, बाकी ऊपर वाले के हाथ में छोड़ूंगा, जैसा होगा जी वैसा बेहतर है। तो स्टेट लेवल दिया, तो किसी को होप नहीं था, मैं बैठा था टीचर्स के साथ अपने, सब वहां पे बैठे थे जी। एंड हम शायद 17 बच्चे सिलेक्ट हुए थे उस दिन स्टेट लेवल से, तो मेरा इनमें से भी एक नाम था। क्या बात, तो खुदा का शुक्र उस टाइम का कि जो मेहनत की थी उसके बीच में वो रंग लाई। तो उसके बाद स्टेट लेवल हो गया, वहां से हमें आगे जाके चेन्नई जाना था जी। तो चेन्नई के लिए और प्रिपरेशन हो गई, नेशनल लेवल कंपटीशन के लिए। नेशनल लेवल कंपटीशन चेन्नई में था एंड वहां पे आई गेस उस टाइम पे 14-18 स्टेट्स के बीच के बच्चे थे। ओके, तो वहां पे चले गए एंड वहां पे पूरा वो अलग ही था, जितना यहाँ पे देखे थे वहां पे उससे 10 times ज्यादा दिख रहा था। सही। एंड थोड़ा मैं नर्वस हुआ, स्ट्रेस था, इतने बच्चे देखकर, भीड़ और कंपटीशन को देखकर। और मैं भी तब 3rd या 4th क्लास में पढ़ता था, तो ऐसे मुझे भी वो हो गया कि अब मैं क्या करूंगा, इतने सारे, इतने स्टेट्स, सो बहुत स्ट्रेस हो गया। तो टीचर साथ है, उन्होंने बिल्कुल हौसला दिया, उन्होंने बोला कोई बात नहीं है, जैसा तुमने हमेशा एग्जाम दिया है वैसे यहाँ भी देना है। हम ट्रेन में आते हुए प्रैक्टिस करते थे, होटल में प्रैक्टिस करते थे। तो फिर हमने एग्जाम दिया, से ऊपर वाले का बहुत शुक्र है कि वहां पे भी आपने पोजीशन हासिल की जी। वहां पे एक विनर का रहता है जी, जो मैंने वहां पे लिया था। तो वहां पे इंडिया से हम 4 बच्चे थे, ओवरऑल इंडिया से खाली 4 बच्चे सिलेक्ट हुए थे जो इंटरनेशनल के लिए जाने वाले थे, फॉर इंटरनेशनल कंपटीशन जी, जो मलेशिया में होने वाला था, कुआलालंपुर में। हाँ, कुआलालंपुर मलेशिया में। एंड मैं घर आया, अपने घर वालों को बोला, उनको यकीन नहीं हो रहा है वो बोल रहे हैं कहाँ जाना है, इतना तब तो बहुत छोटा था। तो फिर मुंबई से किस क्लास में होते हैं आप? 4th से। मैं नेशनल लेवल मैंने 3rd में दिया था जी, बट बीच में वो विंटर्स आ गया था एंड 4 months का गैप था, अप्रैल में कुआलालंपुर का था, तो तब मैं 4th में चढ़ गया था। 4th में चढ़ गए थे। ठीक है, पेरेंट्स को भी होता है इतना छोटा बच्चा कहाँ जाएगा, बट फिर जो भी टीचर्स थे, मुबशिर सर भी थे, उन्होंने लाइक बोला, ऐसे समझाया। तो बट मेरा पासपोर्ट ही नहीं था। अच्छा, पासपोर्ट भी बनवाना पड़ा। पासपोर्ट भी 15-20 डेज में पता नहीं कैसे बन गया जल्दी जल्दी से जी। तो उसके बाद हम चले फ्लाइट में, पहली बार जिंदगी में, और कुआलालंपुर पहुंच गए। अच्छा, कुआलालंपुर में भी जब सबको देखा ना, वहाँ अलग अलग थे, वहां पे उस टाइम पे आई गेस एग्जैक्ट नहीं याद, बच्चा 20 के आसपास कंट्रीज थे, डिफरेंट कंट्रीज जहाँ से बच्चे आए थे पार्टिसिपेट करने के लिए। एंड जब आप उन लोगों को देखते हो ना, जो चाइना से होते, इंडोनेशिया से होते, वो चलते चलते कैलकुलेट कर रहे होते हैं, उनकी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ज्यादा, तो उससे और मुझे स्ट्रेस हो गया जी वो देख के। तो उससे थोड़ा सा पहले का बताऊंगा, हम 50 क्वेश्चंस करते थे 5 मिनट्स में, ये हमारा टारगेट होता था कॉम्पिटिशन का, स्टेट में भी, नेशनल में भी। ओके, मगर इंटरनेशनल में हमें 2 दिन पहले पता चला कि अब 50 की जगह 70 करने। तो मुझे समझ नहीं, मैं इतना पैनिक हो गया, प्रेशर बहुत ज्यादा, मैं पैनिक हो गया। तो मैंने रोना लगाया, मैं क्या करूंगा। तो मेरे साथ मुबशिर सर थे, वो मुझे चुप करा रहे, कोई बात नहीं, कंसोल कर रहे थे आपको, वो मुझे खिला रहे, वो बोल रहे कोई बात नहीं, टेंशन मत लो। मैं रोना लगा रहा हूँ, मैं कमरे काट रहा हूँ, मैं नहीं मान रहा हूँ। तो वो वहां पे मतलब अब सोचता हूँ ना कि उस टाइम पे कैसे मैंने प्रेशर हैंडल किया, अभी भी लाइक बहुत ही होता हूँ कि मैंने उस टाइम भी ऐसा प्रेशर हैंडल किया। तो हाँ, मुबशिर सर का तो बहुत उसमें हेल्प रहा है, उन्होंने उस टाइम पे बहुत एक तो हेल्प की, कंसोल और मोटिवेट किया आपको बहुत ज्यादा, उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया वहां पे, क्योंकि अचानक से 20 क्वेश्चंस बढ़ गए, मैं बैठा हूँ और मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ किसी तरीके से मैं कर लूं। तो फिर जिस दिन कॉम्पिटिशन था, जैसे मैं था वैसे बाकी भी बच्चे टेंशन में थे, बिकॉज उनके लिए भी नया ही था जी। 70 क्वेश्चंस अचानक से आ गए। तो फिर से खुदा का शुक्र है, वहां पे वर्ल्ड में मैं उस टाइम 2nd नंबर पे आया था, फर्स्ट आई गेस चाइना का आया था एंड मैं 2nd आया था इंडिया से जी। तो ये वहां की जर्नी, उसके बाद भी पूरे वो मुझे इमेजेस याद है, वो बशीर सर और मैं कहाँ गए, क्या खाया जी, फिर कहाँ रहे,
एंड वो बशीर सर ने उस टाइम पे मुझे हॉन्टेड हाउस लिया था घुमाने के लिए, तो वो एक पार्क था उसमें हॉन्टेड हाउस भी था। जब मैं घर आया मुझे नींद ही नहीं आ रही है रात को, मैं फिर से रोना लगा रहा हूँ। तो ये लाइक अभी सोचता हूँ ना तो पूरा वो ऐसा इमेज सामने आता है। चले तब आप छोटे थे लेकिन ये जो मेमोरीज होती है, जो यादें होती है, पूरी उम्र फिर इंसान इनको चेरिश करता है, याद करके खुश होता है, और बहुत कुछ सीखता भी है, चाहे वो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, क्योंकि तब आप बच्चे थे, कम फहम थे। लेकिन मुझे जो मैंने जो अख्ज़ किया आपकी गुफ्तगू से, काफ़ी ज़्यादा लर्निंग एक्सपीरियंसेस रहे, क्योंकि यू हैव बीन इनटू सिचुएशंस वेयर यू हैव फेल्ट एडेड प्रेशर एंड यू हैव फेल्ट दैट स्ट्रेस टू परफॉर्म, तो जो आज के बच्चों में है, लेकिन वो कूप अप नहीं कर पाते हैं, वो जल्दी हार मान जाते हैं, वो जल्दी क्या कहते हैं गिव इन कर जाते हैं। तो आपने लेकिन उस सारे स्ट्रेस को मैनेज किया, तो मुझे लगता है वो एक एनरिचिंग एक्सपीरियंस आपकी पर्सनैलिटी में रहा है।